हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं कि मंडे कैसे अपने ट्रेड करना है और कैसे इन लेवलों पे आपको यहाँ पर एंट्री के लिए प्लान करना है। तो सारे डिटेल में अपन बात करेंगे एंड उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन चेन के बारे में कि ऑप्शन चेन पर कैसे आपको देख के आपको ट्रेड आइडिया लगाना है कि कहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर सेलर्स है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी ये जितने सारे लेवल्स ये स्ट्रॉन्ग से लेवल्स है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा आपको छोटा छोटा स्टॉप लॉस आपके लिए प्लान करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी लेवल्स ब्रेक करता है, ठीक है, और अगर जैसे फॉर एग्जांपल के जैसे एंट्री सेटअप की मैं बात करूँ, तो जैसे ये अपना एंट्री सेटअप हुआ, मार्केट ने ग्रीन कैंडल ब्रेक किया एंड इससे कोई रेड कैंडल पुल बैक हुआ, तो प्राइस क्या हुआ, पुल बैक हुआ है, उसके बाद हाई ब्रेक किया। तो हाई जैसे ब्रेक करता है, आप यहाँ पर एंट्री लेके आप एक छोटा स्टॉप लॉस के लिए आप प्लान कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ट्रेड के लिए आप प्लान कर सकते हो दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी अब जैसे क्या कि मार्केट क्या यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर क्या कि अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा है ना। अब जैसे कोई रेड कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, तो आप यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करके आप यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रेड निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना। अगर आप ये सोचो कि मैं 100% श्योर हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ऐसी फहमी ना करे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 100% कोई श्योर नहीं होता है, बस सिंपल आपको लॉजिक पकड़ना है और आपको स्टॉप लॉस पकड़ना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो, अब जैसे प्राइस ने यहाँ पर हिट किया, अब क्या है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है। ठीक है, रेड कैंडल क्या, रेड कैंडल का सिंपल यहाँ पर लो ब्रेकआउट होता है रेड कैंडल का, आप एक छोटा सा यहाँ पर ट्रेड बना लो, एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रख दो, मार्केट आपके फेवर में आता है तो उसके बाद आपको क्या करो, स्टॉप लॉस तुरंत जीरो कर दो, जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है उसको स्कैल्पिंग करके आप ट्रेड को यहाँ पर आप बुक करने की कोशिश करो, है ना। तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर जितने सारे एग्जांपल हैं वही सेम सिचुएशन आपको यहाँ पर मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ ये लेवल्स के बारे में, सेम सिचुएशन उसी पे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि अब यहाँ पर क्या कि मार्केट जो है आपका 39,900 पे जैसे ट्रेड कर रहा है ना, 39,900 पे मार्केट अगर यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर पुल बैक होता है और कोई यहाँ पर आपका ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जाम्पल डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट पे हम कोई स्कैल्पिंग यहाँ पर जैसे ब्रेक होगा कोई रेड कैंडल यहाँ पर बनता है, तो हम क्या करेंगे उस कैंडल का ब्रेकआउट पे हम क्या करेंगे यहाँ पर अपन एंट्री करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, छोटे स्टॉप के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे इंटर हो जाएंगे और अपना जो टारगेट होगा आपका 43,624 का होगा। एंड सेम अगर यहाँ पर 43,600 ब्रेकआउट होता है और कोई पुल बैक यहाँ पर कैंडल बनता है देन ब्रेकआउट होता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होगा 43,300 होगा। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना है दोस्तों। ओके, अब मैं आपको पूरा लॉजिक आपको बता दिया, बाकी टेलीग्राम पे आप अपडेट हो जाइए, यहाँ पर लाइव मार्केट में अपडेट करता रहता हूँ, आप देख भी सकते हो यहाँ पर लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ, जिससे आप सभी लोग को बहुत हेल्प मिलेगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि आपको चेंज ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम, जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करो आपको दो चीज हमेशा देखते रहो आप लोग, चेंज ओपन इंटरेस्ट प्लस वॉल्यूम। चेंज ओपन इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट मंडे को 44,280 क्या है, तो फिर कैसे हम प्लान कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे 44,280 की हम बात कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि अच्छा खासा यहाँ पर क्या कि आपका वॉल्यूम जनरेट है एंड प्लस क्या है आपका यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है। तो देखो वॉल्यूम जनरेट है यानी पोजीशन जो है कुछ एग्जिट हुआ है पोजीशन, है ना, और कुछ ही लोग यहाँ पर सेल के लिए प्लान कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई अगर फ्रेश पोजीशन यहाँ पर जब ऐड करेगा तभी मार्केट क्या होगा डाउन आएगा 44,280 से या 44,200 से, अदरवाइज नहीं तो मार्केट डाउन नहीं आएगा और क्या होगा ब्रेक ही होगा अपसाइड क्या होगा ब्रेक ही होगा। और आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर क्या कि आपका पुट साइड क्या है कि 2,00,000 का वैल्यू है और यहाँ पर 16,00,000 का वैल्यू है, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करेगा, मैटर तो ये करता है ये, बट मैं आपको एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, चेंज ओपन इंटरेस्ट प्लस आपका वॉल्यूम आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, फिर जाके आपको प्लान करना है। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 44,200 से मार्केट अगर डाउन आना होगा वॉल्यूम ऑलरेडी यहाँ पर इंक्रीज है, यहाँ पर क्या हुआ चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा ऑटोमेटिक मार्केट क्या होगा रिवर्स हो जाएगा, सिंपल है ना। बट वही है कि प्राइस क्या है फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या होनी चाहिए टच होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम टच होगा यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल बनता है तो उस कैंडल का लो ब्रेक होने पर हम यहाँ पर एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह के आप 5 मिनट पे भी सेटअप बना सकते हो उसका 15 मिनट पे भी सेटअप बना सकते हो। अब जैसे मैं 5 मिनट की एंट्री पॉइंट की बात कर देता हूँ, 5 मिनट एंड 15 मिनट पे सेम ही सेटअप होता है, बस आपको सिंपल प्लान करना है ना। बस स्टॉप लॉस को आप हमेशा याद रखना, स्टॉप लॉस आपका छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लानिंग करना है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पर क्या था कि आज ब्रेकआउट पे ट्रेड था, ओके, अब जो लोग जैसे फॉर एग्जांपल कि ये रहा आपका ब्रेकआउट
हालांकि मैं सेल करने के लिए प्लान कर रहा था, बट मार्केट बार बार क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा था। और जो लोग थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग के मेथड जानते हैं, सिंपल ब्रेकआउट पर अगर यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप अगर ट्रेड करोगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता था। ओके, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टॉप लॉस से फोकस करो। एंड प्रीमियम प्राइस जब भी कभी भी किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के पास अगर जाती है प्राइस, तो वहां से क्या होगा, मैक्सिमम टाइम प्राइस रिवर्स ही होता है। जैसे प्रीवियस डे का अगर आप देखोगे, प्राइस ने क्या किया, ब्रेक किया, बट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना। आप सिंपल यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, है ना। यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर कितने का स्टॉप लॉस होगा, 40 रुपए, 50 रुपए का स्टॉप लॉस है। जैसे ही ये देखो 50 रुपए का स्टॉप, 50 रुपए का मोमेंटम हो गया था ऑलरेडी। एंड मार्केट के बाद डाउन आया, आप एग्जिट कर लो, थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद मार्केट जब ऊपर जा रहा था आप स्कैल्पिंग करते जाओ, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्लान करना। और एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, देखो कैंडल स्टिक जो होना चाहिए जब भी कोई कैंडल ब्रेक हो। अब ऐसा नहीं कि स्पाइक वाली कैंडल यहाँ पर हो, है ना। आपको स्मॉल कैंडल साइडो जो होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, प्लस आपका बॉडी भी बिल्कुल नॉर्मल कैंडल स्टिक होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ये कैंडल हो गया, ठीक है, अब ये कैंडल हो गया, तो इनपे क्या होगा, इनपे आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है आप दोबारा एंट्री ले सकते हो। अगर इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको कम से कम स्टॉप लॉस हिट होगा, और उसके बाद दोबारा आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। तो एक दिन में आप दो चांस जरूर लिया करो। ओके, जब भी आप इंट्री डे में ट्रेड कर रहे हो तो आप मैं ये कहूंगा दो ट्रेड आपको मैक्सिमम करना ही करना चाहिए। मिनिमम आपको एक ट्रेड, मैक्सिमम दो बार चांस लेना ही चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट क्या 100% नहीं होता, तो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी आपको देखते रहना है और फाइंड करते रहना है ना। अब जैसे सेटअप की ओर मैं आपको बात करूं, अब जैसे ये अपना सेटअप हो गया, अब जैसे ये अपना हो गया, अब फॉर एग्जाम्पल किसको नहीं ट्रेड करना है, अब जैसे कुछ इस टाइप कैंडल हो गया है ना, या कुछ इस टाइप का कैंडल हो गया, ठीक है, मतलब डोजी टाइप कैंडल हो गया, तो अगर इसका हाई अगर ब्रेकआउट होगा तो आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाकर क्या गारंटी है कि मार्केट आपके फेवर में ही जाएगा ब्रेकआउट होने के बाद, है ना। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो अगर मार्केट ब्रेक हुआ तो आपके फेवर में जाए। आप ये सोचो कि आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर छोटा रहेगा और अगर हिट होता है तो आप दोबारा चांस ले सकते हो, लेकिन आपके फेवर में गया, आपके फेवर में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फेवर में प्राइस चला गया तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा, है ना। तो उस तरह से आप प्लान करोगे तो आराम से आप डेली 10% निकाल सकते हो। मैं आपको हर एक वीडियो में यही बताता हूँ दोस्तों कि आप डेली का 10% फोकस करो, 10% ROI, सिंपल 10 रुपए का स्टॉप लॉस, 10 रुपए, 10% का ROI मिल जाए आपको, बस इतना बहुत है। ओके, आप सोच सकते हो कि 10 दिन में आप 100% का कैपिटल, यानी 10 दिन में आपको 100% कर सकते हो, 100% मतलब कैपिटल आपका हो जाएगा। ओके, यानी अगर आपका कोई भी 1% 2% है, अगर उस कैपिटल पे या उस इस एंट्री पे या कोई भी एंट्री आप ले रहे हो उस पे सिर्फ 10% आप निकालने की कोशिश करो, 10 से 15%। अगर 10 से 15% होगा तो आराम से आपका कैपिटल 20 दिन में आपका डबल हो जाएगा, 15 से 20 दिन में आपका कैपिटल आराम से डबल हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से प्लान कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर अपना 2 हफ्ते में मैंने ट्रेड भी किया था, यहाँ पर मैं कुछ PNL भी साइज कर दिया हूँ थोड़ा सा। ओके, 39,000 का है, मैं ज़्यादा लॉट से ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि मैं एवरेज कैपिटल के साथ ट्रेड करता हूँ, है ना। तो 39,000 का ये 2 हफ्ते का ये ट्रेड है, सिर्फ एक दिन हमने लॉस किया था क्योंकि मैंने 3 ट्रेड ले लिया था, मतलब 2 ट्रेड के जगह तीन ट्रेड ले लिया था। ओके, मैंने अपने ये 2 हफ्ते में एक भी रूल नहीं तोड़ा, सिर्फ एक दिन मैंने इस रूल तोड़ दिया था, आई थिंक 12 तारीख को मैंने इसको लॉस किया था एंड मैंने 3 ट्रेड ले लिया था क्योंकि उस दिन प्रॉफिट हुआ था, इसीलिए मैंने होल्ड कर लिया जिसकी वजह से लॉस हुआ। बट एनीवे मैं हैप्पी हूँ, वीकेंड में कुछ भी प्रॉफिट हो बट मेरे लिए बहुत है। ओके, तो इसी तरह से आप अगर 10-15, मैं वही रूल आपको फॉलो कर रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ROI पर आप फोकस करा करो, 10% बस, 10% एंड 20% के बीच में इतना मिल जाए आप ट्रेड को एग्जिट कर दो, उसके बाद आप ट्रेड के प्लान मना करो दोस्तों। ओके, तो आई आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे आप एक सक्सेसफुल ट्रेड आप निकाल सकते हो इंट्राडे में। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। ओके, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया एंट्री सेटअप का, जो मैं आपको लॉजिक बताया हूँ वही एंट्री सेटअप इन लेबर्स के पास आपको फाइंड करना है और उसके बाद आपको प्लानिंग करना है दोस्तों। ओके, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो दोस्तों एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।